अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम बनाएंगे खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाओगी? क्या क्या डालोगी ये तो तुम पता है? जो किचन में पड़ा है वो सब कुछ डालूंगी। सही। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, मतलब फटाफट से लाइक ठोक दीजिएगा। उसके बाद मेरी वीडियो में जब उसके बाद फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन है, ऑब्वियसली प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये जी मैं दाल ले रही हूँ जो कि छिलकों वाली है, मूंग की। एक गिलास तकरीबन ये दाल है जो कि एक पाव से भी कम बनती है, एक पाव तकरीबन। और साथ ही इतने ही मैं राइस ले लूँगी और दो थोड़ा थोड़ा करके इनको चुन लूँगी, क्योंकि मारूशे को पता नहीं चुनना है या ना आए, मैं खुद चुन देती हूँ ताकि कोई बीच में चीज़ ना आए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको चुन लेना है, बहुत अच्छी तरह से चुनी जाती है। और इसी तरह से राइस भी हमने चुन लेने हैं। ये देखिए जी, बराबर बराबर मैं डाल रही हूँ। और खिचड़ी हम बनाने लगे हैं, एक तो मारूशे को बनानी भी इजी है, दूसरा कि एक डिमांड है माँ जी की कि आज खिचड़ी बना लो, तो आज हम खिचड़ी पकाने लगे हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये भी चुन लेना है। चावल तो खैर साफ़ ही हैं लेकिन दाल में कुछ था, तो इसको मिक्सअप करके तो बाकी फिर मारूशे के साथ हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, वैसे भी महीने का एंड है और महीने के एंड पे मैं ऐसी ही चीज़ें बना के ना गुजारा कर रही होती हूँ। तो फिर ऐसे आ चुके हैं अपने किचन में। तो ये जो है, हमने इसको जैसे हमने साफ़ तो किया ही था, लेकिन माशाल्लाह से हमारे चावल इतने अच्छे हैं, वो ऑलरेडी साफ़ थे, तो दाल को बस थोड़ा सा छानना पड़ा। आप इसको आप वॉश कर लें, आ जाए इसको लेकर। एक मिनट, ये क्या था? सब चुन लिया मैंने, कुछ भी नहीं है। मैंने एक देखा है, ये क्या चला गया। हम इसको वॉश करेंगे, मेरा हाथ धीरे करने का दिल नहीं कर रहा। लो ठंडा पानी, ये हाल है अभी तुम्हारा। सर्दियां आएगी फुल तो क्या बनेगा? जो मंजूर है खुदा होगा। इसको अच्छी तरह मलो चावलों को, बाजू पर कर लें थोड़े से। अच्छा, घड़ी भी पहनी हुई यार। घड़ी घड़ी हम जागते सोते फिरते डुलते हर वक्त पहनते हैं। घड़ी ये वाकई ये सोते हुए भी पहनी होती है इसमें। फिर रात को सोने से पहले भी टाइम देखती हूँ मैं ऐसे करके, वो इसमें ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है ना, मैं इसको सुबह उठाती हूं। ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है ना, ये ना रात को अंधेरे में चमकता है, इसलिए मुझे टाइम देता है। मैं इसको कहती हूँ उठ जाओ, सुबह फजर पढ़ लो, तो ये पहले टाइम देख रही होती है लेटी लेटी और अपनी वॉच से देख रही होती है। गिरा दो ये सारा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो है ना कचरा ही होता है, क्योंकि इसमें दाल नहीं होती इसलिए ऊपर आ जाता है। अगेन 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 पानी डालें, थोड़ा रहने दे, गिर जाएंगे राइस। अच्छा जी, हमने इसको कट्ठा ही भिगो दिया है, दाल और चावल को। ये मूंग की दाल है जो कि छिलकों वाली है, ग्रीन वाली जी। तमाम, इसको हमने थोड़ी देर के लिए रखना है क्या भिगो के? हाँ हाफ, मैं सपारा पढ़ लूँगी तब तक, अरबा याद हो। हाफ एन आवर के लिए हम रखेंगे, उस वक्त तुम सपारा पढ़ सकती हो और मुझे उस वक्त में तुम कोई नात भी सुना सकती हो। आज कोई नात सुना देना। दाल ना गिरा देना ना ही चावल, 3 times या 4 times इसको वॉश करना है ताकि अच्छी तरह से इसका ये जो ऊपर वाले है ना राइस उठ रहे हैं, दाल के दाने वो निकल जाएं। चलें, नल बंद कर दें और ये आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। इसको इधर रख दें, इसके ऊपर लिड लगा दें। टमाटर वाली प्लेट खा के हम इसका लिड बना देंगे। इसका डिलीट कहाँ गया? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इंसान जा रहा है
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह। बस आरुषि एक नात भी पढ़ दो मुझे, बस 2 मिनट दें अजान मुझे फिर। चलें ठीक है जी, अजान के बाद शुरू करते हैं जनाब। बुला लो फिर मुझे शाहे बाहरों पर मदीने मदीने में मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। सबसे पहले ये ऑयल पकड़े तो उसमें डाल दे पैन में सारा। कितना डालती जाइए? बस 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 इनाफ। चलें हाथ नहीं लाना। अच्छा जी, अब पकड़े आप 1 टेबल स्पून। देसी घी नहीं है, क्या है? लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाँ, एक टेबल स्पून भर के डाल दें। बस बस एक टेबल स्पून ही। हाँ इतना आराम से। मुझे खुद नहीं पता था ऐसा होगा। हद कर दी आपने। मुझे खुद नहीं पता था ऐसा होगा। चलो इसको लीटर लगा दें। सॉरी, मुझे खुद नहीं पता था ऐसा होगा।
अपनी तरह से बड़ी महान बनी हूँ, मेरे हाथ में हल्की सी छींट लगी है। ये लो ये चम्मच से चलाओ, तुम पीछे रहना अब नहीं होगा। बस वही था जो ज्यादा काम खराब कर रहा था। अब वो जो फर्स्ट टाइम डाले ना फिर शोर ज्यादा करता है, नीचे चिपक रहा है। चिपकने दो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा चिपक रहा है, ये भी छिटकेगा। हाँ अब बस पानी डाल इसके अंदर। सही है क्या? कुछ नहीं क्या बोला? कुछ नहीं बोला। ये डाल दें अब, दो टमाटोज हैं मीडियम साइज के। चिखेगा क्या? चिखेगा नहीं। ये नमक डालें 2 टेबलस्पून। अभी वो ड्राई हो जाएगा, एक ही जगह डाल दें फिर चला लीजिएगा। अब डोई छोड़ देना, चम्मच छोड़ दें, चम्मच छोड़ दें। ये डाल दें पहले, ये भर के इसमें चम्मच रखा हुआ वो डाल दें गर्म मसाला। हाँ ये भर के डाल दें, गुड। बस एक ही चाहिए। और ये डाल दें मम्मा जीरा, मुझे ना 1 टेबल स्पून फ्राई याद आ गई है। वो क्यों? बड़े मजे मजे के चुटकुले छोड़ दो। अच्छा, यानी कि जैसे बंदा जैसे एक फैमिली में एक बंदा फनी होता है, बाकी सारे सीधे उधे होते हैं, है ना? किफरा वैसे है हमारे दोस्त में ना, कोई इतना मजेदार नहीं है। ये भी डाल दें 1 टेबल स्पून। चावल पसंद क्या? ये क्या है? ये सूखा धनिया पाउडर है, ठीक है, गरम मसाला भी हो गया और इसमें रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर तो डाला ही नहीं। सूखा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर किधर गया? ये भी डालें 1 टेबल स्पून। चम्मच है इसमें? नहीं तो फिर यहाँ से ले वो छोटा है ज्यादा, बेटा एक ही डालें, इसमें से डालें। बाबा याद आ रहे हैं तो बाबा के पास ले जाओ या बोबी को बुला लो। अभी बड़ी छोटी है, उसके पर नहीं लगे। बाबा की परी अभी छोटी है, उसके पर नहीं है अभी। अच्छा लगाती जाओ। साथ साथ किचन को समेटते रहना चाहिए ना, इस तरह कचरा हो जाता है। किधर है दिस वन? वो भी निकाल दें इसमें से। मैंने हंसने मामूल अपने ये बॉल्स बड़े किए थे, अगर मम्मा ने आपको दिखाए हो तो। हाँ एक दिन तुम खेल रही थी, मैंने दिखाया था। तो फिर आप देख सकते हैं मटरों वाले चावल हमें कहीं से आए, मैंने गलती से क्या कहते हैं उसे, पाइप जमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल प्लूरल। हाँ सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल मैंने इसको सिंगुलर कर दिया था, हालांकि प्लूरल है। इधर जाते हैं, इसमें डालेंगे हम मोर वाटर, दो ग्लास चावल, एक ग्लास चावल थे, एक ग्लास था दाल का, ये टोटल 2 ग्लास थे, तो हम इसमें 3 ग्लास, 3 ग्लास पानी डाल देना, 3 से अभी ऊपर डालना है, थोड़ा सा मेरे लिए जोड़ कर। ये हमारा जग खाली कर दिया पानी डाल डाल के, ये सारे ग्लास पानी डालना, जैसे इसमें बबल्स आएंगे फिर इसमें राइस डाल देंगे। बस 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 शोरबा बंद कर दो फैन। فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون يكفرون بما آتيناهم من يتم الثروة سوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أف بالباطل وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخر فأولئك في العذاب محضرون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد والثناء.
दूध। तो व्यूवर्स, इधर दो दिन पहले मैंने फिश मैरिनेट की थी, तो आज उसको फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर फोक की मदद से इस तरह से इसमें सुराख कर लिया जाए ना मछली में, तो फिर बहुत ही अच्छी पक जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त, इतनी जूसी अंदर से बनी हुई है ना, कि ऑसम टाइप, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतरीन आप घर पे फ़िश बना सकते हैं। मारुशी एक्चुअली तिलावत कर रही थी, मंजिल याद कर रही थी, तो मैंने फिर बोलना नहीं था, मैं चुप करके लगी रही। अब वो चली गई तो मैं बोलने लगी हूँ। अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने ऑसम रिज़ल्ट है ना, और मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी ये पक जाएगी, लेकिन इसको मैंने दो दिन मैरिनेट भी करके रखा है। ये देखिए, अंदर तक गली हुई और बहुत ही ज़बरदस्त है। गाइस, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।